नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में पारित हो गया। अगली लड़ाई राज्यसभा में होनी है। कांग्रेस के पास सिर्फ विरोध करने के अलावा कुछ नहीं बचा है। सुबह सवेरे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ट्वीट करने में जुट गए। राहुल गांधी ने लिखा कि ये विधेयक संविधान पर हमला है, इसका समर्थन करना भारत की बुनियाद को नष्ट करने का प्रयास होगा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट में लिखा कि बीती रात लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के साथ भारत कट्टरता और संकुचित विचारों वाले अलगाव से भारत की पुष्टि हुई है। हमारे पूर्वजों ने हमारी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण दिए, उस स्वतंत्रता में समता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान, हमारी नागरिकता एक मजबूत एवं एकजुट भारत के सपने से हम सभी जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने विधेयक के खिलाफ अपने कड़े तेवर तो दिखा दिए, लेकिन सवाल ये है कि इस बिल पर कांग्रेस का अपना घर ही एकमत नहीं है। महाराष्ट्र में जिस शिवसेना के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई है, उसी ने बिल का समर्थन कर दिया। राहुल गांधी या फिर प्रियंका वाड्रा की बातों का असर तभी ज्यादा होता जब वे उद्धव ठाकरे की कमान को कस पाते। सवाल ये कि महाराष्ट्र में जो कांग्रेस ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, उसमें 3 बार सेक्युलर शब्द दिखावे के लिए लिखा गया है। क्या कांग्रेस कभी उद्धव ठाकरे से ये पूछेगी कि उसने बिल के खिलाफ मतदान क्यों नहीं किया? क्या उद्धव ठाकरे की सरकार चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की है? इन सवालों से कांग्रेस को गुजरना ही होगा और देश को यह बताना होगा कि किन मजबूरियों के तहत वे वैचारिक मतभेदों के बावजूद उद्धव ठाकरे के साथ हैं। जब तक कांग्रेस ये नहीं बताएगी, तब तक उसकी किसी भी तरह के विरोध का कोई मायने नहीं होगा।